बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं यूके स्पोर्ट्स। बहुत सारे दोस्त इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर रहे थे कि उमर भाई प्लीज़ हमें बताएं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट तक कैसे पहुंच सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान की टीम में कैसे पहुंच सकते हैं। ये सवाल ज़्यादातर उन क्रिकेटर्स का था जिन्होंने अभी नई नई क्रिकेट स्टार्ट की है। सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पर बता दूँ कि लूडो पर नहीं खेलना है, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलना है। तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल जर्नी होती है पाकिस्तान क्रिकेट तक पहुंचने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप के किस तरह से हम पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में पहुंच सकते हैं, क्या हमारी एजेस होनी चाहिए, सभी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको पता लगने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। एंड गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी Mr. Umar 24, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए प्रोफेशनल होना पड़ेगा। प्रोफेशनल हम किस तरह से हो सकते हैं? सबसे पहले आपको एक क्लब या एक एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी जो प्रोफेशनल हो। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको क्लब के रेगुलर मैचेस खेलने पड़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एज स्टेप्स की, हमारी जो एज लिमिट्स हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो क्रिकेट की जर्नी प्रोफेशनल स्टार्ट होती है वो होती है अंडर 13 से। अब अंडर 13 में कौन कितनी एजेस के प्लेयर आते हैं? देखिए दोस्तों, अंडर 13 में जिनकी उम्र 13 साल से कम होती है वो प्लेयर्स आते हैं। जब अंडर 13 के ट्रायल्स होते हैं और आप अंडर 13 में सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में अंडर 13 के मैचेस कराए जाते हैं और उनमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो यहाँ पर PCB जो है वो एक कैंप लगाता है अंडर 13 के लड़कों के लिए, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल कोचिस होते हैं और उनकी कोचिंग आपको मिलती है और वहाँ पर आपको 1-2 महीने ट्रेनिंग भी कराई जाती है। दोस्तों, ये थी अंडर 13 की जर्नी। लेकिन अगर आप अंडर 13 से ऊपर के हो चुके हैं तो यहाँ पर आ जाती है अंडर 16। अब अंडर 16 में कौन कौन से प्लेयर्स, कितनी एज की लिमिट्स के प्लेयर्स आते हैं? देखिए दोस्तों, अंडर 16 में आते हैं जिनकी एज 16 साल से कम और 13 साल से ज़्यादा होती है। तो यानी कि आपकी जो एज है वो 16 साल और 13 साल के राउंड अबाउट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर 3 साल अंडर 16 खेल जाते हैं, और अंडर 16 में होता है क्या कि अंडर 16 में आप प्रोविजनल या रीजन डायरेक्टली खेलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप उसमें प्रोविजनल में या फिर रीजन क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो आपको पता होगा और आपका नाम जो है वो टॉप 10 या टॉप 5 में आ जाता है ऑल पाकिस्तान के अंदर। तो आपका जो नाम है वो अंडर 16 पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, आपका नाम आ सकता है। जब आपका नाम अंडर 16 इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाता है तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टूर कराए जाते हैं पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ पर क्रिकेट होती है वहाँ पर अंडर 16 के जो लड़के होते हैं, अंडर 16 की जो टीमें होती हैं उनके आपस में मैचेस कराए जाते हैं और यहाँ पर आपको एक नहीं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको मिल जाती हैं। लाइक यहाँ पर आपको PSL खेलने को मिल जाता है जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जा सकता है PSL के लिए भी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा मिसालें हैं, शादाब खान, हसन अली और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अंडर 16 से डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, PSL में आकर डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुए हैं। देन अंडर 16 से भी अगर आप आगे जा चुके हैं तो आगे की जर्नी है आपकी अंडर 19। देखिए दोस्तों, अंडर 19 में जो एज लिमिट्स हैं वो है 16 साल से लेकर 19 साल के राउंड अबाउट। अगर आपकी एज है तो यहाँ पर आपको पहले डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देना होंगे, डिस्ट्रिक्ट खेलना होगी। डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद जिस तरह से पहले स्ट्रक्चर था उसमें रीजन क्रिकेट होती थी, लेकिन अब जो है वो प्रोविजनल होती है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो है वो रीजन स्टार्ट हो जाए रीजन की क्रिकेट, लेकिन जो भी स्टार्ट हो डिस्ट्रिक्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं आपको रीजन या फिर प्रोविजनल क्रिकेट में सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर परफॉर्म करना होता है, वहाँ पर आपको मैचेस दिए जाते हैं काफ़ी सारे।
ऑल पाकिस्तान में जो जितने भी रीजनल और प्रोविजनल होते हैं उनके आपस में मैचेस कराए जाते हैं, और वहाँ पर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर देते हैं यानी कि टॉप 10 या टॉप 5 में आपका नाम आ जाता है, तो आपको पता होगा पाकिस्तान अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में आपका नाम आ सकता है, और यहाँ पर जूनियर वर्ल्ड कप भी कराया जाता है यानी कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी कराया जाता है अगर आप उसमें खेल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी, उसके बाद यहाँ पर आपको जूनियर वर्ल्ड कप की अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है PSL की। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आप PSL में सिलेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप PSL में सिलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर भी आप अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो सकती है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। यहाँ पर होगी अंडर 19, अगर आप अंडर 19 से भी ऊपर निकल चुके हैं तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी सीनियर डिस्ट्रिक्ट से। सीनियर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी एज लिमिट्स आती हैं, देखिए दोस्तों, अगर आप 19 साल से प्लस हो चुके हैं, आपकी एज 30-40 साल तक भी है, तो तब भी आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर सीनियर डिस्ट्रिक्ट ही मेन क्रिकेट है पाकिस्तान की, जहाँ से ज़्यादातर प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुँचते हैं। जितने भी यहाँ से अंडर 13 से स्टार्ट होते हैं, खेलते खेलते अंडर 16, अंडर 19, अंडर 19 के बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट से ही मेन जर्नी स्टार्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या करना होता है, अगर आपकी एज 19 साल से ज्यादा है तो आपको सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स देने होते हैं, और उनमें आपको सिलेक्ट होना होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की टीम्स बनाई जाती हैं सीनियर्स की, उनमें जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपस में डिस्ट्रिक्ट के मैच करवाए जाते हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट के मैचों में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहां पर आपका जो ग्रेड 1 यानी कि फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 के लिए आपके नाम मेंशन कर दिए जाते हैं, आपके नाम भेज दिए जाते हैं। आपका नाम डायरेक्टली फर्स्ट क्लास के लिए भी भेजा जा सकता है, आपका नाम आ सकता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम फर्स्ट क्लास में भी, या फिर आपको ग्रेड 2 क्रिकेट खेलना होती है उसके बाद आप फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दूं, फर्स्ट क्लास के बाद जो स्टेप होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से जो पहले का स्टेप होता है वो होता है फर्स्ट क्लास। यानी कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट को नॉक कर रहे हैं कि भाई साहब हमें भी इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाइए। तो यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, आप फर्स्ट क्लास में आपका नाम आ जाता है, और आप अपने रीजन या फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तरफ से आप उसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, टॉप 10 में आपका नाम आ जाता है, टॉप 5 में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपको PSL में भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, वहाँ पर भी अगर आप अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो आपका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों यही है क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की जर्नी। लेकिन दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और आपको बहुत सब्र करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेसब्रे हो जाते हैं कि आज मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और कल को मेरा नाम अंडर 19 में अंडर 16 में आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो ज़्यादा हार्डवर्क करता है उसको ज़्यादा फल मिलता है, जो कम हार्डवर्क करता है उसको कम फल मिलता है। तो यहाँ पर आपको मेहनत जारी रखना होगी, आपको रेगुलर क्लब क्रिकेट खेलना पड़ेगी, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो आपकी क्रिकेट में रुकावट बन रही हैं। लाइक आपको सबसे पहले आपको पार्टीज़ जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, अपने जो गैदरिंग है वो छोड़नी पड़ेगी, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम क्रिकेट को देना पड़ेगा, कम टाइम जो आपके पास बचेगा दूसरी चीज़ों को देने के लिए, इसलिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और उसके साथ सब्र करना पड़ता है, तभी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है MrUmar24। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान।